Hello dear students, assalamu alaikum. I am your maths teacher. So dear students, today we will study from page number 50, right? And exercise 3b. So this is countdown 5. So we will solve word problems today. Word problems hum solve karenge page number 50 ke upar. So the first question is Aisha's grandmother buys 3/4 meter of lace फॉर हर हैंडकरचीफ. ठीक है, अपने रुमाल बनाने के लिए, रुमाल को लगाने के लिए लेस खरीदती है आयशा ग्रैंड मदर. वो दैट इज़ 3/4 meters. सो शी यूजेस ओनली 2/3 meter ऑफ लेस. वो उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल करती है. वट लेंथ ऑफ लेस इज़ लेफ्ट, बाकी कितनी लेस जो है वो रह गई है. तो इसमें देखें, लेस जो खरीदी गई है बॉट 3/4 meters, लेस यूज जितनी हुई है दैट इज 2/3. सो लेस लेफ्ट, बाकी कितनी बची है. सो इसको आप वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हैं, लेकिन ये कि इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन से 1/2 meter आता है कि जो लेस बच गई है. सो अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन के मेथड से करें, 3/4 - 2/3, 9 - 8, 1/12 इसका आंसर आता है, राइट. सो लेकिन करना हमने इसको मल्टीप्लिकेशन का एक चैप्टर है, तो मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करना है. लेकिन ये आंसर जो पीछे दिया गया दैट इज़ 1/12. सो सेकंड क्वेश्चन इज इफ़ द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 इज़ 4/5 centimeter थिक. ठीक है, ज्योग्राफी की बुक जो है वो क्लास 5 की, उसका 4/5 centimeter थिक है, मतलब मोटी है. हाउ हाई विद अ पाइल ऑफ 9 such books टेक्स्ट बुक, मतलब 9 books हों इस तरह की, तो कितना उसका ऊंचाई होगी, या उसका गट्ठा कितना कह सकते हैं, इकट्ठी बुक्स जो हैं वो कितनी ऊंचाई पे होंगी या कितनी थिकनेस होगी उनकी, राइट. थिकनेस ऑफ बुक 4/5 centimeters, थिकनेस ऑफ 9 books कितनी होगी ये हमने फाइंड करनी है. तो इसको 4/5 × 9, ठीक है, 4 9 36/5, तो 7 whole 1/5 meters, राइट. देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ अबाउट इफ़ देर आर 9 whole 1/5 kg ऑफ मैंगोज इन कार्टून. एक कार्टून में 9 whole 1/5 kg मैंगोज हैं, ठीक है, किलो. वट विल बी द वेट ऑफ द सच कार्टून, इतने कार्टून, 15 कार्टून हो तो फिर मैंगोज का वेट क्या होगा, राइट. सो मैंगोज 9 whole 1/5, वेट उसका 15 कार्टून्स का आपने निकालना है ऑफ हाउ मच वेट, ठीक है. आपने 9/5 whole 1/5 × 15, तो इसको आप 5 × 5 = 15, तो 646 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 138 kg, राइट. क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अली कवर्स 1/2 kilometer 9 times a day, ठीक है, एक दिन में एक आधा किलोमीटर जो है वो कवर करता है. हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ डे, वो एक दिन में कितना फासला तय करेगा, ठीक है. 9 times a day वो आधा किलोमीटर चलता है, और पूरे दिन में कितना करेगा, ठीक है जी. ओके, देन अली कवर्स 9 times a day 1/2 kilometers, डिस्टेंस इन अ डे कितना है. 1/2 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड किया तो वो 4.5, आधा मतलब चलता है ना वो, तो 4.5 जो है वो किलोमीटर्स तय करेगा, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज़ 1/7 or 8 kilometers लॉन्ग. इफ़ आदिल मैनेजेस टू रन अराउंड 4/3 times, हाउ मैनी किलोमीटर्स ही हैज़ रन, ठीक है. रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज़, ठीक है, 1/7 or 8 kilometer लॉन्ग है ट्रैक जो है रेस का आपका, ठीक है. आदिल कहता है कि वो ही रनस इट 4/1/3 times, ठीक है, और कितने किलोमीटर वो तय करता है इसको हम देखते हैं. रेस ट्रैक जो आपका इतना मीटर लॉन्ग है, देन आदिल रन्स 4/1/3 times, हाउ मैनी किलोमीटर्स ही रन्स, ठीक है. सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 1/7 or 8 × 4, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है, राइट. 15/8 and 13/8, 4 3 = 12 + 1 = 13/3. सो इसका आपने एलसीएम लिया, नॉट एलसीएम, दिस इज़ मल्टीप्लीकेशन. सो इन दोनों को 3 × 3 = 5 = 15, 5 × 3 = 65, 8 × 1 = 8. सो इनको डिवाइड करने से आपका 8/1/8 kilometers आ जाता है. दैन लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 इज़
इफ इन अ फार्म 2/3 इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। एक फार्म है जो कि 2/3 हिस्सा उसका टू थर्ड इज यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स। पोटैटोज आर ग्रोन ऑन 1/4 हिस्से पे पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं। व्हाट फ्रैक्शन टोटल जो कितना हिस्सा काश्त किया जाता है वेजिटेबल्स और पोटैटोज के लिए। देन वेजिटेबल्स ग्रो 2/3 एरिया है उसका, पोटैटोज 1/4 हिस्से पे हैं, टोटल एरिया कितना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/6 एरिया जो है वो निकल आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम पेज 50। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।